अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यहाँ हो गया 6:30 अफ्तार का टाइम और मैं 2 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये जो है अफ्तार हो जाए फिर इंशाल्लाह आके बात करूँगी आपसे। तो बस ये अफ्तार टाइम, शान रमज़ान चल रहा है, बस मैं जाऊँ अपने किचन में। तो बस अब समोसे फ्राई करूँगी, समोसे रोल फ्राई करने हैं मैंने। और यहाँ मेरा जो है अंडी का जो है पकौड़े बनेंगे और ये पैन पे रखा है, मैं स्पैगेटी बनाऊँगी। आज कुछ इतना ही है और इंशाल्लाह अभी अफ्तार के बाद फिर बात करते हैं आपसे कि भाई मैं 2 दिन बाद ब्लॉग क्यों बना रही हूँ। दुआ चल रही है आज अफ्तार में, बस मैं और उमेर ही हैं। ये रहा हमारा अफ्तार, समोसे रोल जो मैंने खुद बनाए सब कुछ, ये अंडे वाले पकौड़े, उमेर की पसंदीदा आलू खरबूजा और स्पैगेटी। अच्छा बस माशाल्लाह से यही करने वाले हैं। खैर से अफ्तार के फौरन बाद फिर उमेर टेलर को कपड़े देने चले गए। ये उमेर के हैं और ये जो है बाबा के कपड़े हैं, तो मैंने कहा फटाफट दे दूँ वरना जो है टेलर बाद में नखरे दिखाएगा बहुत। तो बस वैसे भी बहुत लेट हो गए देने में, तो उमेर जा रहे थे कपड़े लेकर टेलर को देने के लिए। यहाँ स्टार्ट हो गई सेरी टाइम, कबाब हमने फ्राई किए, टूट गए थे, बहुत जल्दी जल्दी फ्राई कर रहे थे। अम्मी के घर खराब कबाब पराठे का हम जो है कर रहे थे वो सेरी, अम्मी के घर हम सेरी कर रहे थे और बहुत मज़ा आया, बहुत तफरी के साथ हमने जो है सेरी की है वहाँ पे माशाल्लाह से। अक्सर सेरियाँ जो है मैं वो अम्मी के घर करती हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आता है एक साथ बैठ के। कुत्ते ने कल काटा था इंजेक्शन, आज लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी हैं, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अभी आपने ब्लॉग में देखा कि जो है उमेर को कुत्ते ने काट लिया था, मतलब अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई, कि जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं काटा है, स्क्रैचेस जैसे कि उसने दांत लगाया और उमेर ने ऐसे पैर खींच लिया तो बस पूरे स्क्रैचेस आ गए बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ना सब घर वालों ने भी कहा इनके, और सब ने कहा कि जो है ना इंजेक्शन नहीं लगाओ, डॉक्टर्स ने भी कहा नहीं लगाओ, सेट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुत्ता नॉर्मल था तो बस उसने टांग पकड़ा था तो मैंने इसे खींच लिया, कह नाखून के निशान आते हैं इस तरह से। तो वो मुझे 2 दिन बहुत टेंशन में लगा कि मैंने कहा नहीं यार अभी इंजेक्शन लगाने चाहिए। तो 2 दिन वो मैं भी बहुत ज़िद करती रही, नहीं सुना, घर में सबने ज़िद किया तो बिल्कुल भी, मतलब अम्मी वगैरह ने सबने ज़िद किया कि लगाओ लगाओ लगाओ, नहीं लगाया। फिर बाबा ने बहुत डांटा कि जाओ इंजेक्शन लगवाओ, बहुत ज़रूरी होता है, प्रॉब्लम होती है। तो फिर जो है इन्होंने इंजेक्शन लगवाया जाकर, एंटीसेप्टिक का इंजेक्शन, आई थिंक यही इंजेक्शन है, तो वो इंजेक्शन लगाया। और फिर जो है 2 दिन जो है मेरे टेंशन में, 3 दिन, सॉरी तीसरा दिन आज, 3 दिन मेरा इतना ज़्यादा टेंशन में गुजरा कि व्लॉग एड करना तो दूर की बात है, मतलब मोबाइल भी सही से नहीं देख पा रही मैं इस कदर टेंशन के। और मुसलसल इस चक्कर में ना मेरे 2 दिन मुसलसल उमेर से लड़ाई रही, सुन ही नहीं रहे बिल्कुल भी। ऐसे तो घर का जो हमारा माहौल था ना, अजीब सा हो गया था माहौल, अजीब गरीब सा माहौल हो गया था। हमें कहती रह गई उमेर इंजेक्शन लगवाए लगवाए, लेकिन समझ में बात आ ही नहीं रही, इंजेक्शन लगवाना नहीं, और लड़े पे लड़े जा रहे हैं मुझसे, मतलब बहुत ज़्यादा जो गुस्सा। मैंने कहा इंजेक्शन तो ज़रूरी है, फिर मैंने बहुत 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 ज़िद किया, बस अल्लाह ताला ने करम किया है, अल्लाह ने जो है ना बहुत बचत कर दी कि वो जो कुत्ता था ना वो नॉर्मल था, वरना का कोई पागल या ऐसी मेंटली प्रॉब्लम होती है जैसे जाहिर से ज़ख्मी होता तो वो बहुत डेंजर मामला हो जाता है कुत्तों का। तो बस असल में उमेर को मैं कितनी दफ़ा कहती हूँ कि बाइक जो है वो आप थोड़े कुत्तों से दूर लेके चले, लेकिन उनकी पता नहीं क्या आदत है, वो घुसा के चलते हैं भाई, या कुत्ते के अंदर जो है ना मतलब बहुत करीब से गुजरते हैं। मुझे तो कुत्ता देख के बहुत ज़्यादा मैं रू फना होती है मेरी, तो इस वजह से मैं तो बहुत एहतियात करती हूँ कुत्ते के मामले में, बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ मैं तो, मेरी तो चीख निकल जाती है, कुत्ता हमारी चीखता है इतना बुरा ना कि कुत्ते बस दूर खुद ब खुद हो जाता है। तो बस इस वजह से जो ना व्लॉग जो है मैं ऐड नहीं कर पा रही थी, और 10 दिन के लिए भी मैं आपसे ब्रेक चाहूँगी। 10 दिन जो है हमारे जो इतकाफ़ के जो 10 दिन शुरू होंगे, उस 10 दिन में कोई है मेरा चैनल जो है वो अगर कुछ आ भी रहा होगा उसके अंदर, तो वो मुंतबशिरा जो है वो ऐड कर रही होंगी चीज़ें वगैरह और व्लॉगिंग कर रही होंगी या जो भी कुछ कर रही होंगी वो मुझे नहीं पता। तो ये जो चैनल फिर जो है वो मुंतबशिरा के पास होगा मेरा,
मोबाइल या उमेर के पास होगा। तो मैं 10 दिन के लिए बिल्कुल जो ऑफ हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो खैर ऑफिस एतकाफ़ में बैठूंगी। तो इंशाल्लाह फिर आप से चांद रात में मिलेंगे। अभी तो खैर जब तक नहीं बैठे तब तक तो ब्लॉग मैं डालती रहूँगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे जैसे ये देखें बैठे हुए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और कुछ नहीं करना होता, ये इनका 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 गेम चेक करें, कोई डब्बो वाला बॉक्सेस वाला गेम है पता नहीं कौन सा, तो बस वही खेलना होता है इनका और कुछ नहीं होता। फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।